गीतांजलि। हेलो मैडम, और कैसा चल रहा है मॉर्निंग का मेडिटेशन आपका? बहुत अच्छा मैडम, मैं एक दिन भी मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पथरी जी सर का सुना था कि आप एक भी दिन मिस करते हो तो आपकी प्रोग्रेस पीछे चली जाती है। वो मेरे अंदर फीड हो चुका है और मैं कोशिश करती हूँ ताकि मेरी नींद भी कम हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अटेंड करनी है मॉर्निंग की सेशन जो है। और मैं नई हूँ मेडिटेशन में, अब तक मैंने आसना किए, प्राणायाम किए, त्रिबंध युक्त प्राणायाम किया है, हठ योगा किया है, YCB लेवल 1-2 का स्टडी भी किया है, लेकिन जो स्टेबिलिटी इस ध्यान में आने के बाद जो महसूस हुई है वो पढ़ाई करने से, ये करने से नहीं मिलती। काफी चीजें समझ में आ रही है अभी, जैसे एक महीने में काफी कुछ चीजें मैं समझ चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो चीजें मैंने काफी टाइम से इतना मेहनत करने के बाद समझ में नहीं आता है, जो मुझे इस एक महीने में मिला है। और इससे पहले एक्चुअली जैसे मेरा एंट्री हुआ है ध्यान में, एक्चुअली 2 साल से मैं सोच रही थी मुझे मेडिटेशन करना है करना है, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं थी और कुछ मिलता था तो भी कंप्लीटनेस नहीं लग रहा था। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, जैसे अभी आपसे जुड़ी हो तो सबके साथ करना है, जो भी डाउट्स होते हैं शेयर होती है, प्रॉब्लम शेयर होती है, तो समझ में आता है कि कैसे आगे जर्नी बढ़ाना है। नहीं तो ऐसे आंखें बंद करके बैठना बहुत मुश्किल लगता था एक घंटा मुझे, अभी एक घंटा कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। है और कुछ डाउट्स भी है मन में, जो मैंने आपसे पहले बोला था कि मुझे बहुत शेकिंग हो रहा है, एक घंटे तक मैं हिल रही थी, तो आपने बोला कि मेंटल जो ब्लॉक्स है वो रिलीज हो रहे हैं शायद अंदर के जो बॉडी के लेयर्स थे। तो जिस दिन मैंने डाउट पूछा दूसरे दिन से तो बॉडी शांति हो गई मेरी, दूसरे दिन से कुछ हिली नहीं, बिल्कुल शांति से चल रहा है अभी 2 दिन से, तो पीसफुल लग रहा है काफी। तो इसके आगे की स्टेप्स और वो मैं समझना चाहती हूँ कि 40 डेज का क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है ना ये सारी चीजें ब्रीफ में, तो कैसे आगे बढ़े, कैसे साधना और स्ट्रांग करे, ताकि ये कुछ था क्वेश्चन मेरा कि ये 40 डेज का जो फॉर्मूला है वो 1 आवर करना है, 2 आवर करना है, उसका कुछ रूल्स है क्या, तो वो पूछना था मुझे। रूल नहीं है गीतांजलि, बस सिंपल हमें मेडिटेशन करना है, आपका जितना उम्र है उतना मिनट ध्यान करना है। ओके, उतना कंपलसरी, उतना उतना जरूरी है, और उससे ज्यादा तुम कर सकती हो, बढ़ा सकती हो अपने ध्यान को। 3 बातें इसमें जरूरी हैं, सबसे पहला है मेडिटेशन, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है साजन संगत। तो जो सबसे पहला है वो तो मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हैं, है ना, और साजन संगत आप जब मॉर्निंग में जुड़ती हैं तो जिस दिन आपकी छुट्टी होती है तो उस दिन आप क्वेश्चन आंसर सेशन में हम साजन संगत करते हैं, हम शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस भी करते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो है स्वाध्याय का। स्वाध्याय है कि लाइक आप जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसको पढ़ना चाहिए, जैसे कि अभी तुम बोल रही थी कि जैसे हठ योग मैंने पढ़ा और इस तरीके की और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन उन चीजों का फायदा नहीं होता क्योंकि जब तक हम अनुभव ना करें। पत्री सर बोलते हैं राइट स्पिरिचुअल बुक्स आपको पढ़ना है। राइट स्पिरिचुअल बुक्स मीन्स कि जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान का अनुभव किया है और अनुभव के बेसिस पर बुक्स लिखी हैं। राइट स्पिरिचुअल बुक्स पत्री सर तो बताते हैं कि हर सेशन में बताते हैं कि तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, जैसे कि ओल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ डेना मेरेम की जो लिखी हुई है उसको हमने पढ़ा, 1000 सीट्स ऑफ जॉय आनंदा करुणेश का पुस्तक है वो पढ़ा, इस ओल्ड जर्नी है पीटर रिचेलो की लिखी हुई, जैसे तुम अभी कह ही रही थी कि 40 दिन का जब हम ध्यान करते हैं और उसके बाद हम अपनी ध्यान साधना को आगे कैसे बढ़ाते हैं, तो मेरी पहली पुस्तक थी ए सोल जर्नी पीटर रिचेलो की लिखी हुई, कि हम अपनी बॉडी जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके अलावा जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है, और वो जानती हम जानने लगते हैं कि हमारा एस्ट्रल बॉडी भी ट्रेवल करता है जाता है। तो ये चीज की जानकारी जब आपका एक्सपीरियंस भी, आप उस एक्सपीरियंस से निकल भी रहे हैं और साथ के साथ स्वाध्याय के माध्यम से आप उस पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों का कोलैबोरेशन होने से आपका जो आध्यात्मिक उन्नति है वो ज्यादा होने लगती है। ओके, तो इसीलिए स्वाध्याय भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो आप बुक पढ़ सकती हैं। तो जैसे हमने फिर जो मेरी सेकंड पुस्तक थी वो थी क्रिएट योर ऑन रियलिटी, जे जेट का लिखा था वो, ताकि आप कुछ भी, जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, आप खुद क्रिएट करते हैं अपनी जीवन की कहानी, जिम्मेवार नहीं होता।
ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ इस बात का एक्चुअली, जब मेडिटेशन में आने का एक स्ट्रांग रीजन था मेरे लाइफ में, कुछ घटनाएं घटती जो हमें मोटिवेट करती कि तुम ये करो ताकि तुम स्टेबल हो जाओ, तो मीन्स कुछ एक्सपेक्टेशन, वो बाद में मुझे पता चला, पहले मुझे मेरी गलती नहीं लग रही थी क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन के कारण कुछ रिलेशन खराब हो गए, सगे बंदी जो होते हैं, और उन्होंने थोड़ा मेरा एक्सपेक्टेशन इतना उनको बुरा लगा कि उन्होंने ज्यादा ही खराब करके दूसरे लोगों को ही मेरे से तोड़ दिया। तो मैं काफी इस कोरोना माहौल में और डिप्रेस हो रही थी कि मेरे सगे लोग मेरे से ऐसे दूर जा रहे हैं बिना वजह और छोटी सी वजह जो भी है, वो भी सिंपल एक्सपेक्टेशन, जो मुझे मेरी गलती भी नहीं लग रही थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे लगा मैंने एक्सपेक्ट किया इसलिए मुझे दुख हुआ। ये मुझे रियलाइज हुआ ध्यान में आने के बाद कि मैं ही गलत थी और आज भी वही सिचुएशन है, लेकिन आज मैं क्यों स्टेबल हूँ, बिकॉज एक्सपेक्टेशन मैंने जीरो कर दिए। वो टाइम पे इतनी एक्सपेक्टेशन थी और इतना दुख का पहाड़ आ चुका था, इतनी रो रही थी मैं, 6 महीने से ऐसे लग रहा था मेरे से सब सगे संबंधी टूट गए, ये हो गया वो हो गया, पर यहाँ आने के बाद लग रहा है कि सब एक फैमिली है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं ये मेरा है वो उसका है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर अभी वो थॉट्स ऐसे अलग हो रहे हैं और मैं अलग ही बनते जा रही हूँ, ऐसा मुझे खुद को फील हो रहा है। सिचुएशन वही है लेकिन जीने का आनंद भी आ रहा है और वैसा ही माहौल है, लेकिन 4 महीने पहले रो रही थी, आज हंस के और अच्छे से टैकल कर रही हूँ हर चीज। तो इतना योगा करने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा था जो ध्यान से इतना जल्दी आ गया, हम बोलते ना, तो वो सब चीजें महसूस हो रही है अभी। यस, कोई मेडिटेशन का कोई सवाल हो गीतांजलि? हाँ मैडम, मुझे ना वो एस्ट्रल ट्रैवल जो है ना, आपने जो बोला, तो अभी इसके स्टेप्स होते हैं तो थोड़ा सा डर सा रहता है, एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होगा यार, मेरे से अंदर से बॉडी कैसे निकलेगी, कैसा दिखेगा और कहाँ जाऊंगी मैं, कौन से मेरे मास्टर से, ये सब दिमाग में अभी चल रहा है थोड़ा सा, कि आप लोगों के साथ होकर के बहुत कंफर्टेबल लगता है मॉर्निंग में, लेकिन ये जब एक्सपीरियंस होगा तो कैसे होगा क्या होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा अजीब सा है डर अंदर। तो ये जो एस्ट्रल ट्रैवल फर्स्ट टाइम जब करेंगे वो कभी भी होगा या आप हमसे करवाओगे तभी होगा, ये सब पूछना था मुझे। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम कुछ भी सोचकर नहीं बैठते हैं क्योंकि मन से परे जाना है। ओके, और जब हम मन से परे जाते हैं ये ऑटोमेटिकली घटनाएं घटती हैं, अपने आप ही ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसमें हम ये सोच के नहीं बैठते कि मेरा आज एस्ट्रल ट्रेवल होने वाला है। ओके, हाँ। और ये सोच के भी नहीं बैठते कि मेरे को आज पास्ट लाइफ दिखाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, और ऐसा भी नहीं सोच के बैठते कि मुझे आज कलर्स दिखेंगे। बट आप एक साक्षी भाव की तरह, आप एक ऑब्जर्वर की तरह आप रहो, आप अपने सांसों के साथ रहो और उसके बाद जो भी वहां पर घटित हो रहा है हमारे भीतर, उस कोई आकलन नहीं करना है, मतलब हम एनालिसिस नहीं करना, माइंड मेडिटेशन नहीं करना कि ऐसे दिखेगा, मैंने ऐसा पास लाइक देखा या मेरे को ऐसा दिखाई दिया, काला ही क्यों दिखाई दिया कलर, या मुझे हरा क्यों दिखाई दिया, नहीं, उसको आराम से जैसे फ्लो में हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रहा है उस फ्लो में ही आप रहने दो। अच्छा, ओके ओके, कुछ उसके बैठना नहीं है, लेकिन वो चीजें पहले पढ़ी है ना, इसीलिए पता है कि बाबा ऐसे कुछ होता है आगे, इसीलिए वो मन में डाउट आया, अदरवाइज हम ऐसे ही बैठते रहते थे, पर अभी पता है कि ये सब स्टेजेस है तो उसका ये ख्याल आ गया अंदर कि कैसे होगा, तो ठीक है, तो कल से हम लोग सोचेंगे नहीं उसके बारे में, जस्ट नॉर्मल बैठना है, दैट्स इट, साक्षी भाव से देखते रहे, बिल्कुल एंजॉय करिए। पतली सर बोलते हैं कि ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना, हाँ, आंखें बंद करके कुछ मत करिए, भूल जाइए, बस आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। तो पतली सर की बड़ी टिपिकल सी एक लाइन है कि नॉर्मल नेचुरल सॉफ्ट ट्रंक्विल ब्रेथ, बस हमें अपनी उसी ब्रेथ के साथ ही रहना है, सांस का आना और जाना उसी साइकिल को हमें बस कंटिन्यू करना है, जैसे विचार आते हैं तो बस उसको हटा लेना, फिर से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। ओके मैम, तो अच्छा लग रहा है, दिन भर ऐसा योगा और ध्यान, बस यही चीजें आती है दिमाग में, बस यही चलते रहता है मेरा दिन रात। अभी मैं 8 बजे फ्री होती हूँ, मैं 8 बजे फ्री हो गई, खाना खा के तुरंत आपका सेशन के लिए आ गई, और सुबह 6 बजे से शुरू होता है और 4:30 बजे उठने के बाद पहले आपसे मिलती हूँ, फिर दिन भर योगा चालू रहता है मेरा, तो अच्छा टाइम बीत रहा है अभी। पर काफी सारे डाउट्स ध्यान में आने से ही ये हो रहे, क्योंकि अष्टांग योगा में ये 7वां अंग है ध्यान, पर ध्यान तक हम पहुंच ही नहीं पाते, प्राणायाम और आसना से करते रह जाते और पढ़ाई करते रह जाते कुछ भी,
तो ध्यान में जाने के लिए बहुत डेडिकेशन लगता था, पर ध्यान इतना इजी है आने के बाद पता चला। पहले डिफिकल्ट लगता था, मैं कैसे करूंगी, कौन गाइड करेगा, कैसे होगा, अभी सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो थे डाउट्स। और ऐसे लग रहा है कि कोई गाइड करने वाला है तो ये जर्नी अच्छी स्मूथ चलेगी हमारी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा। लाइफ जो है एंजॉय करने के लिए होती है, जॉयफुल जब हम स्टेट में रहते हैं। तो आजकल हम बोलते हैं ना कि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने निकाला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ एंड वेलनेस लिया है। हेल्थ एंड वेलनेस की पहले तो सिर्फ हेल्थ की बातें होती थी, अभी वेलनेस की बात हो रही है। तो वेलनेस तो हमारा जो मेंटल एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए ना, हमारा पूरा फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। चारों एंगल से सोचा जाता है। मैं वेलनेस इंस्ट्रक्टर ही हूँ मैं मैडम, तो अभी सिर्फ बॉडी का नहीं सोचना है, मन का, ध्यान का, सब हर चीज का सोचना है अभी। कहाँ कमी है वो फिल इन द ब्लैंक सब भर के लाइफ अच्छी करनी है, तो अच्छी। चलो थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सारे डाउट्स मेरे तो क्लियर हो चुके हैं अभी फिलहाल के लिए। धन्यवाद मैम, थैंक यू।